ओके ठीक है मम्मी, मास्टर है ना, ध्यान रखना अपना। गाइस आज ये तेरी का लास्ट व्लॉग होने वाला है क्योंकि मैं जा रहा हूँ आज देहरादून। खाना पीना खूब मोटा जाना एकदम। फिलहाल यहाँ की रोडें चेक करो आप भाई, पानी पानी भर रखा है। अरे बताओ याद आई कि नहीं आई तुम्हें मेरी? बहुत गया। तो हे गाइस, कैसे आप लोग, करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलाना वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज ये तेरी का लास्ट ब्लॉग होने वाला है क्योंकि मैं जा रहा हूँ आज देहरादून, और मेरे घर वाले भाई बहुत इमोशनल हो रहे हैं। फिलहाल हमारी नानी यहाँ पे बैठ रखी है और नानी हम देहरादून जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? मुझे बरबर कर लेगी हिमालय पार्वती हमारी गैल। नानी इसलिए बोल रही है क्योंकि बाहर बारिश लग रही है, और जब देहरादून से आए थे तब भी बारिश लग रही थी, और यहाँ से जा रहे हैं तब भी बारिश लग रही है। नानी ध्यान रखना अपना, ठीक है, अच्छे से रहना, मस्त एकदम, खाना पीना खूब मोटा हो जाना एकदम। ठीक है, तो पहाड़ी रीति रिवाज के अनुसार जब कोई घर से निकलता ना तो टीका लगता है, तो मेरे गली लगा रही मेरे टीके। ओके जी नमस्ते, ध्यान रखिए अपना, ठीक है, अच्छे से रहिए, जल्दी देहरादून आइए खाना बनाने के लिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। पंडित। और ये हमारी मामी अज्जू भाई की मम्मी, और अज्जू भाई भी आने वाले हैं ना कुछ टाइम बाद, क्योंकि भाई अज्जू भाई रहते हैं अपने चंडीगढ़ में, तो कभी कभी घर आना होता है। ठीक है मम्मी, ध्यान रखना अपना। ओके ठीक है मम्मी, मस्त रहना, ध्यान रखना अपना, भाई कर दो। तो भाई मम्मी के साथ अभी ये लास्ट व्लॉग होने वाला है क्योंकि इसके बाद मैं जाऊँगा देहरादून, और जितने भी व्लॉग देखेंगे इसके बाद आपको देहरादून के देखेंगे। मेरा बाय बाय, ध्यान रखना। तो गाइस हम घर से निकल गया था, बट गोलू भाई ना पैंट भूल गया, वो रिटर्न करवाने ना देहरादून में, वो मम्मी आ रही ऊपर से, मम्मी का वेट करते हैं। पैंट भूल गया था गोलू भाई ने। तो गाइस हम यहाँ से निकल रहे हैं, और यहाँ से देहरादून का रास्ता कम से कम 3-4 घंटे का, बट बारिश नहीं होनी चाहिए। सामने का मौसम भी देखो यार पूरा ख़राब हो रखा है, और कहीं रास्ते में बारिश हो गई फिर दिक्कत हो जाएगी। और हमारे गांव से पिपरडाली तक पूरा न्यूट्रल है, तो गाड़ी मैंने ऑफ कर दी। तो फाइनल वाइज हम पिपरडाली ब्रिज में पहुँच चुके हैं, और यहाँ से ना न्यूटिहरी पड़ता है तुम्हारा 48 किलोमीटर, बट हम जाएंगे कोटिवाली रोड से क्योंकि वहाँ से शॉर्टकट पड़ेगा ना मान ले। और टिहरी लेक की बात करें, टिहरी लेक आजकल बहुत कम हो रखी है यार, ना नीचे पानी तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं। बीच में एक बार ये ना पुल हिलने लग गया था, तो उसके बाद पता नहीं इन्होंने शायद के नेट नूट कसे, उसके बाद ये ठीक हो गया था। और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे पिपरडाली मार्केट भी है, तो वहाँ से होके भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे भाई पिपरडाली मार्केट कैसा कैसा है अपना। तो फिलहाल यहाँ की रोडें चेक करो आप भाई, पानी पानी भर रखा है, यहाँ सरकार को काम कराने की ज़रूरत है इन रोडों पर। ये मेन रूट भी है तो यात्रियों को काफ़ी दिक्कत होती होगी। यहाँ से लगता अपना पिपरडाली मार्केट स्टार्ट, और ज़्यादा बड़ा मार्केट भी नहीं है, छोटा मोटा मार्केट है। बट यार जितने भी यात्री वगैरह आते हैं ना उनके लिए मार्केट काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है क्योंकि उनको सामान यहाँ से मिल जाता है। फाइनल वाइज हमने टीरी डैम में एंटर कर लिया, और यहाँ से एक दिक्कत है, यहाँ से रिकॉर्डिंग करने नहीं देते, तो मुझे लग रहा गोप्रो निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने गोप्रो देख लिया ना गलती से भी, वो बोलेंगे फिर तुम रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे पक्का यहाँ, और फिर वो हमें 0 पॉइंट वाले रास्ते से भेज देंगे जो कि काफ़ी लंबा पड़ेगा। तो फाइनली वाइज हम पहुंच चुके हैं चंबा, और चंबा से फिर देहरादून का रास्ता कम से कम 2 घंटे का, मतलब हमें 2 घंटे और कंटिन्यू चलना पड़ेगा तब जाके हम देहरादून पहुंचेंगे। और आज हम ना एंटॉर्क का माइलेज चेक करने वाले हैं, इस पर 2 डंडी पेट्रोल, तो देखते हैं देहरादून तक 2 डंडी में पहुँच पाती कि नहीं पहुँच पाती। ऐसे तो यार पहुँच जाएगी आराम से जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि जब धप धप भी करती है ना तो 25-30 किलोमीटर तो ऐसी चले जाती है। और मेरे दिमाग में चल रहा है कि स्कूटी पे हम पेट्रोल से रियल लाइन से डलवाएंगे, क्योंकि वहाँ का पेट्रोल होता है जो ना बहुत प्योर होता है, और कंपनी का तो मुझे पता नहीं है वहाँ का, जो इंडियन वाले होते हैं और ये दूसरे होते हैं, इतना खास नहीं लगा मुझे इनका पेट्रोल। रियल लाइन पर मुझे काफ़ी विश्वास भी है, अंबानी का तो भाई विश्वास तो हो गई। और यहाँ से पड़ता तुम्हारा देहरादून 100 किलोमीटर और ऋषिकेश 60 किलोमीटर, इतना तो यार स्कूटी अपनी खींची लेगी। तो गाइस यहाँ तो यार धूप आ रही है, बस तो ऊपर साइड बारिश हो रही है, और यहाँ उल्टा ही सीन, यहाँ धूप ही धूप है। तो गाइस यहाँ पे साथ में बारिश भी हो रही है, धूप भी लग रही है, यार मौसम एक होना चाहिए ना, या फिर बारिश ही लगे या फिर धूप ही लगे, दोनों मौसम साथ में हो रहा है भाई। तो गाइस यहाँ से 2 रास्ते आते हैं, एक तो आता है तुम्हारा ये नरेंद्र नगर वाला रास्ता, और एक रास्ता आता है ये वाला जो शॉर्टकट जाता है सीधा देहरादून की ओर। तो हमें ऋषिकेश तो जाना नहीं, हमें सीधा देहरादून जाना है, तो हमने चुना है वाला रूट। और इस वाले रूट से ना 2 फायदे हमारे, एक तो पास पड़ जाता है, दूसरा
पूरा रास्ता है न्यूट्रल और सामने जो आपको दिख रहा है नरेंद्र नगर यहाँ से ना देहरादून थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट हो जाता है। जॉली ग्रांड 20 किलोमीटर, ऋषिकेश 23, देहरादून 47 किलोमीटर। तो गाइस अभी हम रुके एक जगह पे क्योंकि भाई थक काफ़ी लग गई, साढ़े दर्द करने लग गया। गाइस अभी हमने ऑर्डर कर दिया चाय, तो चाय पीते हैं यहाँ पे क्योंकि ठंडा भी काफ़ी लग रहा है ना, बारिश भी हो रही है और यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा मिला हमें। क्या नाम है आपका? हेलो, कुछ नहीं बोल रहा है, शर्मा रहा है। ओके बॉयज, यहाँ से हमारा डन हो चुका है और भाई मज़ा आ गया चाय पी के, अब एनर्जी फील हो रही शरीर में, तो अब यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस ये देखो नेचर की तबाही, पैंगर की क्या खतरनाक कर रहा है। नेचर के साथ छेड़छाड़ करोगे तो यार ऐसे ही होगा, ना तुम नेचर के साथ छेड़छाड़ करो ना नेचर तुम्हारे साथ छेड़छाड़ करेगा। ओके बॉयज अब पहुँच चुके हैं हम रानी पुखरी वाले रूट पर, और भाई ये रास्ता ना बहुत आलस भरा था कसम से, ऐसा मन कर रहा था ना कब होगा ये रास्ता खत्म। गाइस ये चेकआउट करो आप, ट्रक तो मार रहा है किसको, जेसीबी को, वाह इस ट्रक में बहुत जान है मतलब, मैं तो पहली बार ही देख रहा हूँ किसी जेसीबी को टो मारा जा रहा है ट्रक से, वो भी अंदर की इतना बड़ा ट्रक कैसे झेल रहा होगा इतनी बड़ी जेसीबी को। बॉयज अभी पहुँच चुके हैं हम टोल प्लाजा पे, और यहाँ से आगे ना थोड़ा सीधी रोड है तो यहाँ पे देखते हैं भाई कितना टच कर पाते हैं हम। आज तो कभी ना जिंदगी में से ना 103 टच नहीं किया, फर्स्ट टाइम ये स्कूटी ना 103 गई है, और भाई वो सामने से वो बंदा एकदम से आ गया था, डर लगी थी मेरे को बट मैंने कंट्रोल कर ही दिया था। कभी नहीं लग रखी वहाँ पे, कहाँ पे होगी उस वो लड़का देखो ना वहाँ पे, उसको लड़के पकड़ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, एक्सीडेंट तो नहीं होगा उसका, क्योंकि चोट भी नहीं लग रही थी यार। तो भाई यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया यार उस लड़के को, और वहाँ पे ना पुलिस वाले भी आ रखे हैं, पता नहीं पुलिस वाले उसकी वीडियो बना रहे, तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ होगा, क्योंकि अगर उसका एक्सीडेंट होता ना तो पुलिस वाला उसकी वीडियो नहीं बनाता वहाँ पे। तो वैसे मैं बनाना है रियल लाइफ में पेट्रोल, तो यहाँ से लेना पड़ेगा हमें लैब को, फ़ोन की पिक्चर से कर दो। चलो यहाँ से करवा दी हमने फुल टंकी, और ये मौका बहुत कम देखने को मिलता है अपनी स्कूटी में, बट जब भी देखने को मिलता है बहुत खुशी होती है। लड़कों के ज़्यादा बड़े ड्रीम नहीं होते हैं, उनको एक गाड़ी चाहिए होती है और उस पर फुल पेट्रोल चाहिए होता है, और देहरादून में एंटर करते ही आपको मिलेगा सबसे पहले ये ट्रैफिक जो कि बहुत परेशान करेगा आपको, बट हमको यार ट्रैफिक याद आता है तो इतना झेल लेते हैं हम। गाइस हम पहुंचे ही थे घर और हमारे फैन फॉलोइंग देखो यहाँ पे, तो भैया बिग फैन, भैया बिग फैन, आते आप इतने दिन भाई, बढ़िया भाई, याद तो नहीं आई मेरी, तो आते ही तो गाइस आते ही हमने रोहित का स्वागत करा आइसक्रीम वाले भाई से, और आइसक्रीम खिलाएंगे रोहित, महंगी वाली खिलाइए महंगी वाली। रोहित भाई के मुंह पे आजकल खुशी का थोड़ा वो क्या बोलते हैं खुशी का पड़ा हुआ है उसकी जिंदगी में, क्योंकि उसने सुना गुनसोला गोप्रो भी इतना मीडियम मोड मेरी सच में भेज रहे तुम, कसम से भगवानी मेरे को भेज दो मीडिया और मां की कसम, यहां देने यहां से खुश होते हैं अपने।
तो गाइस मेरे दोस्तों ने खिलाई है मुझे आइसक्रीम। मुझे उम्मीद नहीं थी मेरा स्वागत होगा आइसक्रीम से, बट यार ऐसा दोस्त मिले तो सब कुछ पॉसिबल होता है। तो गाइस हमने 5-5 वाली आइसक्रीम खाई यहाँ पे। पहले बताओ याद आई कि नहीं आई तुम्हें मेरी? बहुत यार। अबे लड़का वही है, पहले भी दिखा था ना मैं एक बारी। हाँ शायद वही है